तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडे और टमाटर का बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकफास्ट। तो देरी किस बात की है, यहाँ पे मैंने 3 टमाटर को लिया है। टमाटर को मैंने कट करना है, स्लाइस करना है। इसका जो ऊपर वाला हार्ड वाला पार्ट होता है इसको हटा लीजिए और इस तरह से पतला पतला स्लाइसेस कर लीजिए ताकि टमाटर को गलने में आसानी रहे और इसका शेप भी बहुत ही बढ़िया बना रहे। तो ये देख सकते हो मैंने इस तरह से कट किया है। अब मैं दूसरा वाला भी टमाटर को कट करके दिखा देती हूँ। बहुत ही बढ़िया लगता है ये रेसिपी। सुबह में बनाए या शाम में बनाए, आपका मन जब भी करे आप बना के इसको खा सकते हो। एक बार जब बना लोगे ना तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाओगे। तो देखिए मैंने सारे टमाटर्स को कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे पैन को गरम कर लिया है और पैन में मैंने ऑयल ऐड कर लिया है 1 छोटा चम्मच। और इसमें हम ऐड करेंगे बटर। बटर से क्या होगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो घी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ब्रश की हेल्प से थोड़ा सी स्प्रेड कर लेंगे ताकि हमें जो ब्रेकफास्ट बनाना है वो आसान रहे हमें बनाने में। तो यहाँ पे हमारा पैन गरम हो गया है। टमाटर को बहुत ही बढ़िया सी इस तरह से रखते जाना है, हल्का हल्का सी गैप रखे। देखिए मैं किस तरह से रख रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। और डिज़ाइन कितनी अच्छी बन रही है, देखने में लुक बहुत ही अच्छा आएगा। खाने में स्वाद इसका इतना बढ़िया आएगा ना कि आप है ना एक बार बना लेंगे तो बार बार, यकीन मानिए दोस्तों, बार बार बनाना पड़ेगा आपको। इतनी बढ़िया टेस्टी सी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो देखिए मैंने इस तरह से फैला फैला के सबने टमाटर को रख दिया है। अब इस पर हम थोड़ा सी सॉल्ट ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर पाउडर, जिससे इसका अच्छा स्वाद आएगा। आप चाहो तो इसमें चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तीखा खाना है तो। तो देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे हम अंडे भी तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 अंडे का इस्तेमाल किया है। तीनों अंडे को हम बारी बारी से तोड़ेंगे। आप चाहो तो अंडों में आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो और सॉल्ट के साथ। तो मैं इसमें सिर्फ सॉल्ट ही ऐड करके अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे हमारा जो तावा है वो गरम है और जो हमारा टमाटर है वो पक गया है। अब इसको पलटेंगे। तो चलिए इसको मैं फटाफट से पलट लेती हूँ सारे टमाटर्स को। तो देखिए मैंने सारे टमाटर को अच्छे से पलट लिए हैं। ये मैंने मीडियम फ्लेम पे ही काम किया है। अब क्या करेंगे, हम जो हमारे पास अंडे थे हम उसको डाल देंगे, अच्छे से फैलाते हुए डालेंगे ताकि चारों तरफ हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से डीप हो जाए। देखिए इस तरह से, तभी टमाटर जो है अंडे में बढ़िया से सेट हो जाएगा। फिर हम इस पर चीज़ डालेंगे तो चीज़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करना है ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट। नमक आप अपने हिसाब से रख लीजिए क्योंकि बटर जो है वो सॉल्टेड था, तो इसके लिए नमक का कम इस्तेमाल करेंगे। तो आप चीज़ भी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने चीज़ को ग्रेटेड कर लिया था और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चीज़ की क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखी है। तो अब इसको ढक देंगे और 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं और देख लेते हैं हमारा जो ब्रेकफास्ट है। वाव, ये देख सकते हो दोस्तों कितना यम्मी डिलीशियस लग रहा है। बहुत ही बढ़िया सी पक गया है। नीचे की तरफ भी देख लेते हैं क्या हाल है इसका। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, नीचे की तरफ भी बहुत अच्छे से सिक गया है। अब ये बिल्कुल भी रेडी है सर्व करने के लिए। गर्मा गर्म गर्मा गर्म आप इसको ब्रेड के साथ खा सकते हो। तो बढ़िया सी रेसिपी आपको कैसी लगी है बताइएगा ज़रूर। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो।